हेलो, वेलकम टू स्पॉट मैस। आज में हम लेकर आए हैं एबीसी रनिंग ड्रिल्स फॉर द फर्स्ट। इस ड्रिल के दौरान हम आपको बताएंगे कि एबीसी ड्रिल्स क्या है और वो क्यों करना चाहिए और ये आपका फील्ड में क्या फ़ायदा देगा। तो पहला सवाल सबके मन पे आएगा कि एबीसी ड्रिल तो बेसिकली स्प्रिंटर लोग और एथलीट्स लोग यूज करते हैं, लेकिन ये भी क्रिकेटर लेकिन के लिए बहुत फ़ायदा देता है और बेसिकली फास्ट बॉलर के लिए बहुत फ़ायदा है। स्प्रिंटर और एनी एथलीट्स एबीसी ट्रेनिंग क्यों करता है? अपने गेम पे डेवलप लाने के लिए और आगे परफॉर्मेंस अच्छा देने के लिए। तो सेम चीज़ क्रिकेटर्स के लिए भी आता है और ऐसे भी फास्ट बॉलर को बहुत ज़रूरी है ना, ताकि वो अपने रनअप में अच्छा भागे और तेज़ गेंद डाले। तो ये सब के लिए आपको तो वैसे ही ट्रेनिंग करना पड़ेगा ना, तो आपका ट्रेनिंग में एबीसी ड्रिल्स भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आप तेज़ भाग पाओगे और पूरी एफर्ट के साथ आप बॉलिंग कर पाओगे। तो इसका बेनिफिट्स क्या है? मेनली आपका जो लोअर बॉडी है ये सब में फायदा देगा, जैसे कि अंकल से लेके कॉप तक, फिर नी जॉइंट, फिर हिप, आपका हैमस्ट्रिंग और आपका ग्लूट्स, ये सब पे फायदा देगा। और नंबर वन, इससे आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। नंबर टू, आपका ट्रेनिंग टेक्निक ठीक हो जाएगा। और नंबर थ्री, आपका रनिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। नंबर फोर, आपका स्टैमिना और एंड्योरेंस अच्छा होगा, जो आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी देगा अपना बॉलिंग स्पेल पूरी मैच में। और नंबर फाइव, इससे आपका टैक्टिकल एंड मैच अवेयरनेस सही कर देगा। और नंबर सिक्स, इससे आपका मेंटली आपको फिट कर देगा, जो आपने मैच के दौरान जो प्रेशर सिचुएशन है उसको हैंडल करने में बहुत फ़ायदा देगा। और नंबर सेवन, आपको फिट रखने में फ़ायदा देगा, जो आपका फिटनेस लेवल, एजिलिटी एंड स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। और नंबर एट, आपका मैच डेज में ग्राउंड में आप लॉन्ग टाइम टिके रह पाएंगे। तो लेट्स गो टू वीडियो। पहली बात, ये एक्सरसाइज आप 20 टू 30 मीटर्स के अंदर करना है। ये आपका हाईनीज है। इस एक्सरसाइज से आपकी थाई स्पीड, मसल की स्ट्रेंथ सारे इंप्रूव हो जाती है। आपकी रनिंग इकोनॉमी सुधारने के लिए इससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और मसल में संधा हो जाती है। ये है सिंगल लेग स्किप्स। जिन लोगों का स्ट्राइड का प्रॉब्लम होता है, जो लोग पैर ज़्यादा उठाने पाते हैं, ये ड्रिल्स अच्छा है। तो इसको आप जितने स्लो में करोगे अच्छा है बिगनर के लिए। इंटरमीडिएट का अलग बात है, बिगनर के लिए अच्छा है कि आप स्लो में करो। और हमेशा कोशिश करना है कि टो पे लैंड करना है, कभी भी हील पे ज़्यादा लैंड मत करना, क्योंकि आपको पता ही है रनिंग में ये बहुत फ़ायदा ही रहता है जब आप टो पे काम करते हो सब कुछ चीज़, ताकि आप अच्छे से भाग पाओ। ये आपकी अल्टरनेट एक्सरसाइज है, दोनों लेग्स पे आपको करना है। इसकी जो आपकी ग्रोइंस है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मसल खींचने की ज़्यादा चांसेस होती है, तो इसीलिए बहुत आवश्यक है ये एक्सरसाइज। आपकी ग्रोइंस बढ़ाती है और स्ट्रेंथ मिल जाती है। जो स्ट्रेंथ होगी तो ज़रूरी है कि आपकी स्पीड आ जाती है, तो इसीलिए ये करना आवश्यक है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके स्ट्रेंथ और स्टैमिना के लिए। रनिंग स्पीड बढ़ाएगी और मसल की स्ट्रेंथ बढ़ा देगी। और ये आप स्टार्टिंग में स्लोली करना, जो लोग जानते नहीं हो पहली बार कर रहे हो, धीरे धीरे से स्टार्ट करो। बाकी सब ये है ए स्किप्स और हाई नेक स्किप बोल सकते हो। ये एक्सरसाइज आपकी ग्रोइंस मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और ये बहुत ही बेनिफिट एक्सरसाइज है आपकी। और इससे आपका जो जंपिंग पावर है ये सब बहुत काम देगा और ये आपका टेंडन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत काम आएगा। ये है फॉरवर्ड एंकल हॉप और आप जंप भी बोल सकते हो। इससे क्या फ़ायदा होता है, आपका एंकल स्ट्रॉन्ग होगा और आपका जंपिंग पावर भी बढ़ा देगा। और ये कोशिश करना है कि जितना छोटा छोटा स्टेप में लेना। और जिन लोगों का काफ स्टिफनेस है, जिन लोगों का काफ में प्रॉब्लम होता है, ये एक्सरसाइज बहुत फ़ायदा देगा। आप देखते रहते हो काफ में बहुत पावर आ जाता है। ये है फॉरवर्ड एंकल हॉप भी। इसमें आपको जितना आगे जा सकते हो जंप करना, ठीक, पिछले वाले में छोटा छोटा स्टेप ले रहे थे, इसमें बड़ा जंप लेना है। तो जितना आगे जाओगे उतना अच्छा है। ये भी आपका काफ में बहुत पावर देता है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तभी अच्छा है, तो आपको फ़ायदा देगा पूरा। ये है फॉरवर्ड जंप स्क्वाट। अरे ये आपको थोड़ा सा कंट्रोल में करना है। इससे क्या होगा, आपका स्क्वाट में जो पावर है, लोअर बॉडी का जो पावर है, जैसे कि आपका
हैमस्ट्रिंग का है और आपकी ग्लूट्स का है, इसमें बहुत फ़ायदा देता है और आपकी लोअर बैक में भी पावर आ जाता है। तो इसी ये थोड़ा ध्यान से करना है, अगर आप थोड़ा सा जल्दी में करोगे तो लोअर बैक में प्रॉब्लम आ सकता है, तो ध्यान देना इस चीज़ में। बाकी इसको जितना स्लोली करोगे अच्छा है। ये आपकी सिंगल लेग फॉरवर्ड एंकल हॉप, इसमें क्या है आप धीरे धीरे करना, इसमें एक एक लेग को पावर देता है। जैसे पिछले वाले में दिखाए थे कि दोनों लेग्स में कर रहे थे, इसमें सिंगल लेग में करना है ताकि आपका काफ में और भी पावर आ जाए, क्योंकि काफ भी बहुत ज़रूरी होता है ना रनिंग में। और इस पर भी एक चीज़ ध्यान देना है कि छोटा छोटा स्टेप में करना है ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कहाँ लग रहा है। ये एक्सरसाइज छोटा स्टेप में है। और ये है सिंगल लेग एंकल फॉरवर्ड हॉप भी, इसमें क्या है आपको बड़ा बड़ा स्टेप ले सकते हो। जैसे मैं देखो मैं बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, इसमें से और भी पावर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा आप कितना आगे जा पा रहे हो। पिछले वाले में हम दोनों लेग्स में कर रहे थे और इसमें सिंगल लेग में कर रहे थे। और ये है ब्रॉड जंप्स, ये भी बहुत फ़ायदा देता है फास्ट बॉलर के लिए। ये आपका हिप में पावर देता है, ये आपका काफ में पावर देता है, आपके ग्लूट्स में पावर देता है, लोअर बैक में भी पावर देता है। और इसमें आपको क्या करना है, जितना आगे जंप कर सकते हो उतना अच्छा है, लेकिन स्लोली करोगे तभी आपको फ़ायदा देगा। तो ये था हमारा ABC रनिंग ड्रिल्स फॉर द फास्ट बॉलर। तो आपका पूरा ब्लॉग कैसा लगा पूरा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप तो वीडियो देखते हो कमेंट तो करते नहीं हो। आप लोग अगर कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि और क्या लेके आएंगे और इसमें क्या गलतियाँ हमारा जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं उसके ऊपर भी काम करूँ। तो थोड़ा कमेंट करके बताइए, अगर पूरा अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि आगे भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। तब तक सी यू, बाय बाय।